सुपरवाइज एकेडमी गाइस, आज हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड का कोड का आई एम सॉरी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का नेक्स्ट लेक्चर में अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम इस लेक्चर में क्या देखेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब इंसॉल्वेंसी कैसे डिवाइडेड है। मतलब आपको पता तो होना चाहिए ना, देखो जैसे आप पढ़ने जाते हो तो आपको पहले तो पता होगा ना कि आप क्या सब्जेक्ट्स पर हो। जब आपने सीए या सीएस ज्वाइन किया था तो आपने पहले तो देखा होगा कि इस कोर्स में ये सब्जेक्ट है, तब आपको पता चल होगा आपकी वीकनेसेस क्या है, आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। बिल्कुल उसी तरीके से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का हम एक ओवरव्यू, एक स्ट्रक्चर देख लेंगे इस लेक्चर में, जिससे आपको पता चलेगा कि ये सीक्वेंस, मतलब एक स्ट्रक्चर कैसा, आप किस पैटर्न में से अप्रोच करोगे इस पूरे कोड को। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखो पहला 1-3 इज अ प्रिलिमिनरी सेक्शन, इसमें कुछ भी क्रूशियल या क्रिटिकल नहीं है, तो इसे विल अवॉइड। सेकंड, देखो डेफिनेशंस एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट है, इसे हम ज़रूर देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशंस एंड लिक्विडेशंस फॉर कॉर्पोरेट पर्संस, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, ये डील करता है सेक्शन 4 से सेक्शन 77 तक। अब दूसरा क्या है, थर्ड पार्ट है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड बैंक्रप्सी फॉर इंडिविजुअल्स पार्टनरशिप फर्म्स, ये दो चीज़ें यहाँ डील होंगी सेक्शन 78 से 187। या ये हमारे इंसॉल्वेंसी के सिलेबस में है, जो हमारा मॉड्यूल 3 में है इलेक्टिव पेपर, और हमारा पार्ट 4 है रेगुलेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एजेंसीज एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। ठीक है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ कैसे रेगुलेट की जाएंगी, जो आईपीज हैं आईपीएस हैं उन्हें कैसे रेगुलेट करेंगे, वो है सेक्शन 223 तक। ओके, दैट्स क्लियर। और मिसलेनियस है हमारे सेक्शन पार्ट 5 में, सेक्शन 224-255। तो एक बार देख लेते हैं, एक्सटेंड ये हम अभी के लिए अवॉइड करेंगे क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अप्लीकेबिलिटी किन कंपनीज पे लगेगी, ठीक है ये एक बार देख लें। हाँ देख लेते हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोड, ये एक्चुअली एप्लीकेबल मतलब किन कंपनीज या किन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या किस पर्संस पे ये लगेंगी। ठीक है, पहला क्या है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंपनीज एक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है कंपनीज उन पर तो लगेंगी, या फिर कोई भी प्रीवियस लॉज, मतलब 1956 में है। एनी अदर कंपनी गवर्न बाई स्पेशल एक्ट, मतलब बैंकिंग कंपनीज। ठीक है, LLPs, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट बाई CG अगर जिन्होंने बनाया है, ठीक है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल गारंटर, किसी ने भी गारंटी दिया है अगर कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ में ना, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे किसी भी फॉर्म में, वो इंक्लूड हो जाए कि उन पर ये एक्ट लग जाएगा। अगर आप लोगों ने ये अमेंडमेंट नहीं सुनी होगी तो आप लोगों के साथ एक अमेंडमेंट शेयर कर देती हूँ। MSME और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में कुछ अच्छे अमेंडमेंट्स आए हैं इस अभी जो कोरोना वायरस के टाइम पे जो सिचुएशन है उसे मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, उसमें क्या आया है ना कि देखो पहले था 1,00,000 का आपका अगर डेट है ड्यू, तो आप IBC कोड को लेकर कंपनी के ऊपर जा सकते हो केस करने। लेकिन अब क्या है, अब उसे 1,00,000 कर दिया गया। ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल चेंजेस है। ठीक है, इन अमेंडमेंट से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है ऑन द ग्राउंड लेवल। ठीक है, आगे देखते हैं। पार्टनरशिप फर्म्स है, प्रोप्राइटरशिप, आप मतलब सिंगल पर्सन अगर इंडिविजुअल पर्सन है, या फिर पार्टनरशिप पर्सन है या इंडिविजुअल से, ठीक है इसमें कोई ऐसा अलग बात नहीं थी, लेकिन फिर भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखो क्योंकि इसमें एक नया चीज़ क्या आपने सीखा, पर्सनल गारंटर्स, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। नॉन एप्लीकेबिलिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू कॉर्पोरेट्स इन फाइनेंस सेक्टर, मतलब बैंकिंग कंपनीज की तरह NBFCs पर डज नॉट कवर। ये बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखो क्योंकि ये अगर आप देखो इनमें भी ज़रूर है कि डिफ़ॉल्ट होता है, जैसे येस बैंक का भी जो किस्सा हुआ, उन्होंने भी कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट या कोई ना कोई गलती कर रखी है, लेकिन अगर इनके अगेंस्ट लोग चले गए IBC में ना, तो इकोनॉमी हिल सकती है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर बहुत ही क्रूशियल सेक्टर है। बैंकिंग ले लो, फाइनेंशियल ले लो, इंश्योरेंस ले लो, ये बहुत ही इनको बनाना ना बहुत आसान नहीं होता है, इनको सेटअप करना ही बहुत मुश्किल, इसलिए इनको हम यहाँ पर डील नहीं करते हैं, इनको हम दूसरे एक्ट्स में डील करेंगे।
और जो डील करते जिनमें ये एक्ट एप्लीकेबल है वो तो हमने पहले देख ही लिया। अब है इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। इसमें हम सारे डेफिनेशंस को नहीं देखेंगे, ओनली जो इम्पॉर्टेंट है और जो हमारे एग्जाम्स में आएंगी उन्हीं को देखेंगे। पहला क्या है? पहला हम अपने सीक्वेंस में चलते हैं। पहला मेरी सीक्वेंस में क्या है? कॉर्पोरेट पर्सन कौन है, कौन से वो पर्सन्स हैं जिनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, कि मतलब हम मेरा अगर डेट उनके पास ड्यू है तो हम IBC में जाकर उन पे केस कर सकते हैं, उनके ऊपर सूट ला सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन से? पहला आप जैसे देख रहे हो अपनी स्क्रीन्स पर, पहला है कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 220 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मतलब नॉर्मल जो कंपनीज है, ठीक है, वो कोई इसमें टेक्निकल कुछ भी नहीं था, ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर, क्योंकि देखो हमारा पर्सपेक्टिव ही पहले, शुरुआत हमारे पर्सपेक्टिव की कहाँ से होती है? कंपनी के। अगर कंपनी डिफॉल्ट करता है तब IBC आएगा पिक्चर में। तो अब देखते हैं कौन डिफॉल्ट करेंगे तो IBC आएगा पिक्चर में। नेक्स्ट पॉइंट है LLP, क्योंकि अगर आपने MCA वेबसाइट कभी भी खोला होगा तो आपने देखा होगा MCA वेबसाइट ही डील करती है MCA 21 कंपनीज को भी, LLPs को भी। अब आप सोच रहे होगे, चलो ये तो ठीक है, कंपनीज है, ये भी ठीक है, LLP है, अब ये थर्ड पर्सन कौन है? एनी अदर पर्सन इनकॉर्पोरेटेड विद लिमिटेड लाइबिलिटी अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सर्विस फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडेड। तब इनमें आएंगे कौन? सोचो। देखो जैसे आप अपने दिमाग पे जोर डालोगे तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी और तभी आपको रिटेन भी होंगी, क्योंकि आप गलती करोगे तब आपको रिटर्न होगी। क्योंकि अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जिस चीज़ में आपने गलती की होगी ना कभी, वो चीज़ आपके दिमाग से कभी नहीं जाती, ठीक है। तो गलती करने से घबराना नहीं है, आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको ज़रूर वहाँ पर रिप्लाई करूँगी। तो अब आते हैं पॉइंट पर, कि इस पॉइंट में जो पॉइंट नंबर सी है उसमें कौन कौन से कंपनीज आएंगे। सोचो, आपको मैं कुछ सेकंड्स देती हूँ सोचने के लिए। इसमें आएंगी हमारी कॉरपोरेशंस, जो कॉरपोरेशंस होती है जैसे LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस, वो सब इनमें आएंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे LIC टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन पर ये एप्लीकेबल हो जाएगा IBC, और उनको हम क्या कहेंगे पैर से? कॉरपोरेट पर्सन। ये डेफिनेशन याद रखने की है, पहला है कंपनी, दूसरा LLP, तीसरा है पर्सन विथ लिमिटेड लाइबिलिटीज PLL। कंपनी LLP PLL, कंपनी LLP PLL, मेरे साथ साथ बोलो कंपनी LLP PLL, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोड है ना, तो हमें ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, CR में हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। CR में ले लो, इकोनॉमिक लॉज में ले लो। तो हम एक बार फिर से कंपनीज LLPs PLL, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉरपोरेट डेटर मीन्स कॉरपोरेट पर्सन हु वॉज डेटेड टू एनी पर्सन, मतलब किसी भी पर्सन को अगर आपने उनसे पैसा लिया है, आप उसके डेटर हो और वो आपका क्रेडिटर है, तो आप कॉरपोरेट डेटर बन जाते हो। पहला क्या था? कॉरपोरेट पर्सन। दूसरा क्या है? कॉरपोरेट डेटर, ठीक है। क्रेडिटर ये सब तो आपको पता ही है, ये वही डेफिनेशन है। एक बार पर्सन का डेफिनेशन देख लेते हैं। पहला तो इंडिविजुअल, दूसरा है HUF, याद करते रहो, बोलो बोलो साथ बोलो, ऐसा नहीं चलेगा, बोलो। कंपनी इंडिविजुअल, HUF कंपनी, ट्रस्ट पार्टनरशिप, LLP अदर्स। इंडिविजुअल, HUF कंपनी, ट्रस्ट, LLP पार्टनरशिप, अदर्स, ठीक है। एक और बार, सॉरी मेरा सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ आ गया, फिर से एक बार देखते हैं। इंडिविजुअल, HUF कंपनी, ट्रस्ट पार्टनरशिप, LLP अदर्स। इंडिविजुअल, HUF कंपनी, ट्रस्ट पार्टनरशिप, LLP HUF, ठीक है। आई होप आपको रिटेन हो रही होंगी चीज़ें। सिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है, ये तो आपको पता होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। मीन्स अ क्रेडिटर इन फेवर ऑफ होम सिक्योरिटी इज क्रेडिटर, ठीक है। सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये अगर आपने सरफेस या पढ़ा है तो आपको पता होगा सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या होता है। एक बार हम देख लेते हैं सरफेसिया में क्या है, मैं आपको बताती हूँ, आप सुनो। सरफेसिया में क्या है ना,
जो बैंक्स है उनके पास जो भी डिफॉल्टर्स हो जाते हैं ना, एनपीएस आपने सुना होगा, एनपीएस हो जाते हैं, वो क्या करते हैं ना, उन एनपीएस को एक थर्ड एंटिटी बनाते हैं वो लोग। जनरली बहुत सारे बैंक्स मिलकर एक थर्ड एंटिटी बनाते हैं जिनको वो ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब वो एज एन एसेट सेल कर देते हैं। अब वो एंटिटी क्या करती है ना, उस एसेट्स के बेसिस पर सामने और इन्वेस्टर्स के लिए सिक्योरिटी रिसीट्स इशू करती है, सिक्योरिटीज इशू करती है, ठीक है। जो वहाँ से पैसा आता है वो जो थर्ड एंटिटी है वो बैंक्स को उनके जो एसेट्स हमने ट्रांसफर किए ना उनके लिए उनके एवज में पैसे उनको दे देती है। तो इन्होंने तो सेल कर दिया प्रॉपर, अब ओनर कौन हो गया, थर्ड एंटिटी। अब आपसे पैसा वसूली कौन करेगा, वो थर्ड एंटिटी, ठीक है। और जो ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट उन्होंने बनाया है ना, उन मतलब ऑन द बेसिस ऑफ हमारी जो एसेट्स थी बैंक की, उनके बेसिस उनके ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट क्रिएट किया फॉर इन्वेस्टर्स, उसको कहते हैं सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये आप सारफेसिया में पढ़ोगे, हम लोग साथ पढ़ेंगे, आप चिंता मत करो, ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है। सारफेसिया बहुत ही अच्छा एक्ट है, बहुत सिंपल एक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, ये अच्छा पॉइंट है। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कौन है, कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। कॉर्पोरेट डेटर हमने पढ़ा है, याद करो, जिन्होंने भी पैसा लिया है, मतलब जिनका उधारी है, किसी और का उधारी जिनके पास है, मतलब जिन्होंने उधार लिया है वो है कॉर्पोरेट डेटर। दूसरा क्या है, मेंबर और पार्टनर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर हु इज ऑथराइज्ड टू मेक। देखो ये कॉर्पोरेट एप्लीकेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बाद में बताऊंगी, टिल देन एक क्यूरियोसिटी, एक क्वेश्चन दिमाग में रहना चाहिए। मेंबर और पार्टनर, ठीक है, मेंबर और पार्टनर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर हु इज ऑथराइज टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटा। मतलब देखो कोई भी ऐसा इंसान ना, कोई भी ऐसा पर्सन जिनके कंट्रोल में पूरी एंटिटी आती है ना, वो अपने उस पावर्स को यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, एमओए हुए, उनको डॉक्यूमेंट जो उनमें पावर दिए गए ना उनको यूज करके हम एनसीएलटी के पास जा सकते हैं आईबीसी कोड के अंदर, ठीक है। वो पर्सन होंगे कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। अब कौन है इंडिविजुअल हु इज इन चार्ज ऑफ मैनेजिंग द ऑपरेशंस एंड रिसोर्सेज ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा। कोई भी इंडिविजुअल जो भी इंचार्ज है, मतलब कोई भी हो सकते हैं, तो अ पर्सन हु हैज कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। सोचो सोचो सोचो, हमने ऊपर पढ़ा था तीन कंपनी, एलएलपी, पीएलएल। पीएलएल मीन्स पर्सन लिमिटेड बाय बाय पर्सन विथ लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। तो अब देखो ये तीन जो चार पॉइंट्स है ना उनको हम तीन टुकड़ों में बांटेंगे, जो हमारे तीन टुकड़े थे, कंपनी, एलएलपी, पीएलएल, उनमें कौन कौन से हो सकते हैं कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। पहला पॉइंट क्या था, आप पहले डेफिनेशन सामने अपने रखो, एक बार रीड करो। आई होप आपने पढ़ लिया, तो आते हैं पॉइंट पे। पहला है, तो हम इसमें से पहला पॉइंट लेते हैं कंपनी। अब कंपनी में, अब आप इनमें जो कंपनी के, अगर आप एक कॉरपोरेट हो तो आप इनमें कॉरपोरेट एप्लीकेंट कौन कौन से हो सकते हैं, आप सोचो। पहले तो कॉरपोरेट डेटर मतलब कंपनी खुद हो सकती है, फिर दूसरा है मेंबर्स, पार्टनर तो होते नहीं है हमारे में, हमारे में होते मेंबर्स मतलब स्टेक होल्डर्स, मतलब शेयर होल्डर, सॉरी। और तीसरा है इंडिविजुअल हु इज इन चार्ज ऑफ मैनेजिंग द ऑपरेशंस एंड रिसोर्सेस, कौन से होते हैं। कंपनी का इंचार्ज कौन होता है, एग्जैक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, मैनेजर्स होते हैं, WTD होती है, वो होते हैं इंचार्ज। और दूसरा है डी पॉइंट में, वो हैज कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल, ये चीज ध्यान रखो, फाइनेंस, सॉरी, फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल। अब हमारे जो कॉर्पोरेट होते हैं उसमें कौन फाइनेंशियल अफेयर्स को मैनेज करते हैं, CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है।
अब अगर ये हो गया, चलो कंपनी हमने देख लिया, वो भी कोई डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि हमने कंपनी लॉ इतना पढ़ा है, इतना पढ़ा है कि कंपनी लॉ में तो हमारा कोई भी हाथ पकड़ नहीं सकता। अब दूसरा आता है एलएलपी। एलएलपी में कौन होंगे? पहला तो एक कॉर्पोरेट लेटर, मतलब एलएलपी खुद होगी, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेंबर्स और पार्टनर्स, मेंबर्स नहीं होते एलएलपी में। अब ड्राफ्टिंग में पढ़ोगे एलएलपी एक्ट, इसमें क्या होता है, पार्टनर्स होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कहते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट में आएगा, सोचो सोचो, प्लीज बी इंटरैक्टिव, ऐसे नहीं चलेगा कि आप, मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होगे, मैं आपके दिल की आवाज़ सुन सकती हूँ, आप मन में ही बोलो कम से कम, लेकिन बोलते रहो, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें कौन होंगे। इसमें पार्टनर्स ही होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। इसमें एज सच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कहेंगे, इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, गवर्निंग बॉडी होती है, और इसमें फाइनेंशियल अफेयर्स को कौन मैनेज करते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ही मैनेज करते हैं। बीपी ऑफ फाइनेंस, डेजिग्नेटेड पार्टनर फॉर फाइनेंस। अब ये भी हो गया, चलो एलएलपी एक्ट भी हमने पढ़ाया हुआ है पहले, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आया कि पीएलएल कौन से होंगे, पर्सनल पर्सन विथ लिमिटेड लाइबिलिटी। देखते हैं, पहले तो वो खुद, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहला पॉइंट बहुत ईजी है। दूसरा, मेंबर्स या पार्टनर्स, इसमें मेंबर्स होते हैं, पार्टनर्स नहीं होते। पार्टनर्स जनरली सिर्फ या तो पार्टनरशिप फॉर्म होते हैं, वो तो हमारे एरिया से भी बाहर है, या फिर होंगे एलएलपी में, तो वो भी हो गया, मेंबर्स हो गए, चलो सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में कौन है, मैनेजमेंट। इसमें कोई ऐसे स्पेसिफिक नाम नहीं है, जैसे हमारे कंपनी में होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें होते हैं मैनेजमेंट सिंपली। और फोर्थ पॉइंट में क्या है कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजर। ये देखो, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। आप जब मैंने ये बात बोली तो आपको क्लिक किया होगा कि यस एग्जैक्टली, अगर कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है तो इसको फाइनेंशियल मैनेजर ही कहेंगे, एकदम सही। लेकिन जब तक हम ये चीज़ एक बार सुन नहीं रहते, तब ये हमारे दिमाग में क्लिक नहीं करती है। तो एक बार देखते हैं फिर से। मेंबर, एक तो खुद कॉर्पोरेट हो गया, मेंबर्स में होंगे, अगर कंपनी है तो मेंबर्स होगा, या फिर पीएलएल है तो मेंबर्स होगा, एलएलपी है तो पार्टनर्स होगा। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में कौन कौन जाएंगे, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, और पीएलएल में मैनेजमेंट। फोर्थ पॉइंट पर कौन जाएंगे, पहले तो सीएफओ आएंगे कंपनीज में, डेजिग्नेटेड मैनेजर, डेजिग्नेटेड पार्टनर फाइनेंस आएगा, ठीक है, या फाइनेंस मैनेजर आएगा पीएलएल के केस में। ये भी हो गया। अगर वो नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्पोरेट डेटा, पढ़ लेना ये छोटा सा है। डिस्प्यूट, देखो ये इतना सिंपल चीज़ भी है, लेकिन फिर भी इतना क्रूशियल है ना, जब आप एमसीएस के हम लेक्चर्स करेंगे ना, तब आप समझोगे कि डिस्प्यूट का क्या चक्कर है, क्योंकि इतने सारे केसेस इंसॉल्वेंसी के, बस ये क्वेश्चन डिसाइड करने के लिए कि डिस्प्यूट था, कब था, कब नहीं था, तो ये डेफिनेशन बहुत ही काम में आएगी, आप ये एक बार देख लो। इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट किसे कहेंगे, जिस दिन आपका एप्लीकेशन फॉर एडमिट हो जाता है, उन्हें हम उस दिन हम कहते हैं इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। इंसॉल्वेंसी पीरियड जब शुरुआत से लेकर एंड तक 180 दिन होते हैं। लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, जब लिक्विडेशन को ऑर्डर पास हो जाता है। लिक्विडेटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है लिक्विडेटर। देखो तो प्रोफेशनल जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं ना, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, वही लिक्विडेटर की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि उनसे बेहतर ना कंपनी को अभी तक कोई नहीं पहचानता। अगर हम बोर्ड या उनकी जो मैनेजमेंट है उन्हें अलग कर देना, तो हमारे लिक्विडेटर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स इतने दिन तक काम करते हैं ना, 180 दिन, या अगर एक्सटेंशन हो गया 90 दिन का, 270 दिन, तो उनसे बेहतर कंपनी को नहीं समझता कोई, तो उन्हीं को इवेंचुअली हम बना देते हैं लिक्विडेटर। रिलेटेड पार्टी, इसका डेफिनेशन मैंने लेक्चर में डाला हुआ है, आप इसे देख लेना वहाँ से। रिलेटेड पार्टी ऑफ कंपनी, रिलेटेड पार्टी ऑफ एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर आईबीसी, हमने दोनों डाला हुआ है, आप देख लेना। ये हम करेंगे अगले आने वाले लेक्चर्स में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड स्टे एक्साइटेड। बाय बाय।